सूबे की सरकार में अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक तो कोरोना महामारी को लेकर सभी आम आदमी डरा सहमा हुआ है, लेकिन अपराधियों के द्वारा भी कई ऐसे अपराधों को अंजाम दिया गया है। एक गर्भवती महिला की हत्या करके सबको बोरे में बांधकर जीवछ नदी में फेंक दिया गया था, जो कि आज वह गर्भवती महिला की शव जीवछ नदी में पाया गया है। मधुबनी जिले के कलवाही थाना इलाके के हरिपुर बक्सी टोल गांव के जीवछ नदी में एक गर्भवती महिला की शव बरामद हुआ, जिसमें जूट के बोरे में पैकिंग करके और हाथ पांव बांधकर फेंका हुआ मिला है। आपको बता दें कि महिला की शव बरामद होते ही इलाके में सनसनीखेज सा मामला देखने को मिला। इलाके के बूढ़े जवान और महिलाएं भी शव को पहचानने में जुटे थे, मगर मृतका की शव इतनी भयानक हो गया था कि पहचानना मुश्किल था। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि जब से महिला की शव देखा गया तब से आम लोग तमाशबीन बनकर नजारा देख रहे हैं। बहरहाल कलवाही थाना की पुलिस को सूचना मिली और फिर घटना स्थल पर पहुंच गई, जिसके बाद महिला की शव को अपने कब्जे में ले लिया और फिर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं हरिपुर दक्षिणी पंचायत के सरपंच पति दशरथ साहू भी मौके पर पहुंचे और मीडिया को बताया कि हमें जानकारी नहीं थी, मगर गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया है और फिर आया तो देखा तो सही में एक गर्भवती महिला का शव बरामद हुआ है। क्या है ये मुद्दा? आज 11 बजे के आसपास कुछ ग्रामीण जा रहे थे इस रास्ता से, तो देखे कि यहाँ टर्निंग पे पानी का बहाव काफ़ी है, कुछ बोरा में बंद कुछ बाल वगैरह दिख रहा था, तो पता चला कि आज लाश है कि, तो अब प्रशासन को जानकारी दिया गया, प्रशासन आया है। खोजबीन करने के बाद वहाँ उस लाश को हटाने के बाद पता चला है कि उसके एक बच्चा भी है और वो प्रेग्नेंट लेडी है, और बोरा में बंद करके मार के नदी में फेंक दिया गया था। अब यहाँ पकड़ा गया है, अब प्रशासन आया है, देख रहे हैं क्या है कैसे है। बच्चा तो अभी कुछ पता चला कि कहाँ के थे महिला? अभी तो इस अगल बगल के गांव से कोई ऐसा न्यूज नहीं आया है कि कहाँ का घटना है, लेकिन अब प्रशासन के हाथ में जाने के बाद पता चल पाएगा कि कहाँ से। इसके साथ बच्चा भी है, बच्चा का भी गर्भवती महिला महिला थी। क्या नाम? बड़ा घटना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित कुमार झा। पानी से निकला है, क्या क्या है इसका पूरा, क्या जानकारी मिली है आपको? अभी आधा घंटा पहले जानकारी मिला है, झाजी बोला है उमेश झा, बोला झार के नज़दीक जैसे लाश है, उसकी जानकारी नहीं है हमको, लेकिन जानकारी नहीं है तो हम आ रहे हैं, फिर आए हैं तो देखे हैं जो कि लाश है। किसका लाश हो सकती है, क्या कैसे इसका लाश, कुछ डिटेल है इसके डंडा है क्या दोस्तों? पहले का इलाज है, तो क्या लग रहा है कि मर्डर है या आत्महत्या? वो हम नहीं जानते हैं मर्डर है कि कैसे हत्या है, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रही है कि बोरे में बांध करके लाश गला हुआ है, क्या है कहते हैं इसका, तो हल्का पीछा कर दो पोस्टमार्टम में नहीं पता चलेगा क्या है नहीं। जो बरामद हुई है हम कौन किस, बताएंगे किसकी लाश है, महिला या पुरुष का? वही बोलना दीजिए अधिकतर सर, वही बोलना पहले हम देखें।